I gave you my heart. एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत यह आज हमारा चौथा पार्ट है। अगर आपको हमारे वीडियो सेशंस पसंद आ रहे हों तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। चोमस्की का विकास सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन है आपके सामने संज्ञान पर, दूसरा ऑप्शन है आपके भाषा पर, तीसरा है नैतिकता पर, चौथा ऑप्शन है आपके समाज पर। तो जो चोमस्की का जो सिद्धांत है वह आपका भाषा पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सृजनात्मक बालक वह है जो अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता है, भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है। पहला ऑप्शन है आपका वाटसन, दूसरा ऑप्शन है आपका फ्रांसिस गाल्टन, तीसरा ऑप्शन है आपका बिने, चौथा ऑप्शन है आपका बोंड। तो आपके जो फ्रांसिस गाल्टन हैं उन्होंने व्यक्तिगत भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की महत्वपूर्ण भूमिका पर सर्वाधिक बल दिया है। आपका उत्तर दूसरा इसका सही होगा, फ्रांसिस गाल्टन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सृजनात्मक विचार प्रक्रिया की जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह कहलाता है, उसमें आयन चरण, अलगाववादी चरण, पूर्वोत्तर चरण या चरण चतुर्थ। तो ऑप्शन ए ऊष्मायन चरण इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न में पूछा गया है कि सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह आपकी जो अवस्था होती है वह ऊष्मायन चरण अवस्था होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है, छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में है, यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए, सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हुआ, सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है आपका, सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है, नैतिक एवं धार्मिक धारणाओं से, दूसरा है आपका मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने शैक्षणिक वातावरण से, फोर्थ ऑप्शन है आपका कानून सम्मत निर्णयों से। तो आपका इसमें ऑप्शन दूसरा सही होगा, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। अगला प्रश्न है आपका, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है आपके सामने समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग कर लेना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना, फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो आपको स्कूल और समुदाय के बीच में अच्छे संबंध बनाने के लिए निम्न से क्या आवश्यक है, तो इसके तीनों ही जो पॉइंट्स दे रखे हैं वह आपके जो वातावरण है विद्यालय का,
उसको या स्कूल और समुदाय के बीच जो वातावरण है या जो संबंध है उनको अच्छे बनाने के लिए आवश्यक बिंदु हैं। यानी आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है? स्वर संबंधन ट्यूनिंग की, व्यक्तिगत रूप से पढ़ना ट्यूटरिंग की, पेंडुलम समस्या या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे हम ZPD के नाम से भी जानते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक भाषा के शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने संरचनात्मक अर्थ विज्ञान, दूसरा है उपशोपन, तीसरा है वाक्य विन्यास, फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने स्वनिम। तो यानी एक भाषा में शब्दों के वाक्यों को ढालने के जो नियम को कहते हैं वह आपका वाक्य विन्यास कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल। दूसरा ऑप्शन है आपका बालक के विकास क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता का स्तर गुणनफल, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता का स्तर। तो आपका वाइगोत्स्की के अनुसार जो ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वह आपका बालक के वास्तविक क्षमता के स्तर तथा कार्यकारी क्षमता के स्तर का अंतर होता है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालक के सीखने के लिए आकलन और अन्वेषण के बीच डैश की दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो अंतर, भिन्नता या आवश्यकता या संबंधों। तो जो बालक के सीखने और आकलन और अन्वेषण के बीच के जो संबंधों को दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत कठिनाइयां पर विजय पाने की प्रक्रिया है। अभिवृत्ति, समस्या समाधान, अभिप्रेरणा या कल्पना। यानी किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयां पर विजय पाने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है आपकी समस्या समाधान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, तीसरा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जो जीन पियाजे के अनुसार जो आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है इसमें बच्चा विभिन्न परिस्थितियों का सहारा बिना लिए वास्तविक वक्तव्यों का तर्क मूल्यांकन कर सकता है। तो आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षा की में निहितार्थ है। पहला ऑप्शन है, प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। दूसरा है आपके सामने, प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य करने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है आपका, प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों की सीमाओं का निर्धारण करना। फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने, असमर्थ बालकों को खेल, भ्रमण, व्यायाम आदि कठोर क्रियाओं से दूर रखना। आपका ऑप्शन बी इसका सही होगा कि समावेशी शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको सामान्यीकरण में क्या अर्थ निहित तो होता है। तो आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों की को कार्यों की सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरम उत्कर्ष पर होती हैं? जो आपकी मेंटल जो रिएक्शन चल रहे होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, वह किस अवस्था में चरम उत्कर्ष पर होती हैं? बाल्यावस्था में,
किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में या आपकी प्रौढ़ावस्था में। तो जो आपकी मानसिक क्रियाओं की जो जैसे हम चरमावस्था कहेंगे, जो चरम उत्कर्ष होता है वह आपका प्रौढ़ावस्था में होता है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बुद्धि की बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। दूसरा ऑप्शन है, बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आलोचना पूछी है इसमें। नेक्स्ट है आपका, यह व्यावहारिक बिंदु पर अधिक बल देता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। तो 17 का आपका दूसरा आंसर सही होगा। इसमें कौन सी बुद्धि की बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है, इसमें आलोचना आपकी बुद्धि के विभिन्न कारक छात्रों को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। यह ऑप्शन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिव्यांग बालकों से हम समझते हैं कि जिनकी बुद्धि सामान्य से कम हो, जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक हो, जो पढ़ने में ध्यान अधिक लगाते हैं, जो शारीरिक दोष रखते हैं। जो आपके दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति हो, जो होते हैं या बच्चे होते हैं, वो शारीरिक दोष रखते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। ऑप्शन पहला है आपका सर्वेक्षण विधि, दूसरा है प्रयोगात्मक विधि, तीसरा है केस स्टडी विधि, फोर्थ है प्रश्नावली या प्रयोगात्मक विधि। तो जब एक स्कूल से बच्चा भागता है तो उसकी अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि जो होगी वह आपकी केस स्टडी विधि होगी। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा है क्योंकि माता पिता छोटे भाई को अधिक प्यार करते थे। भाई छोटा था, उसे चीजों को बांटने का डर रहता है। भाई को माता पिता के ध्यान की अधिक आवश्यकता थी। तो जब एक छोटा बच्चा अपने भाई से ईर्ष्या करने लगता है, छोटे भाई से, तो उसमें होता है कि उसे चीजों को बांटने का डर रहता है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका खेलों का प्रशिक्षण, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने शैक्षिक मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया, फोर्थ ऑप्शन है आपका व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो विषय क्षेत्र नहीं है वह है आपका शैक्षिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी या दूसरा इसका उत्तर सही होगा। विषय क्षेत्र नहीं है शैक्षिक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिशु के संवेग होते हैं स्थिर और स्पष्ट, अस्थिर और स्पष्ट, अस्थिर और अस्पष्ट, और फोर्थ ऑप्शन है स्थिर एवं अस्पष्ट। तो आपका जो शिशु के जो संवेग होते हैं वह आपकी अस्थिर एवं अस्पष्ट होते हैं। ऑप्शन थर्ड वाला आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी 3x3 को 3+3 समझता है, वह किस विकार से पीड़ित है। पहला होगा आपका डिस्प्रेक्सिया, दूसरा होगा आपका डिसकैलकुलिया, तीसरा होगा आपका डिसलेक्सिया, और फोर्थ ऑप्शन होगा आपके सामने ऑफेंसिया। तो आपके सामने एक बच्चा जो है वह 3x3 को आपका 3+3 करके लिखता है, तो वह किस विकार से पीड़ित है। तो वह आपका जो बच्चा है वो डिसकैलकुलिया, जो विकार होता है, जो गणित में अक्षमता को दर्शाता है, वह होता है आपका डिसकैलकुलिया। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने सृजनशील बालक में, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रतिभावान बालक में, तीसरा है पिछड़े बालक में, फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने मंद बुद्धि बालक में। तो जो बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है वह आपके सृजनशील बालकों में पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है, यह कथन है स्किनर का, गेट्स एवं अन्य का,
कौन बैक का या वुडवर्थ का? तो जो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में रूपांतरण या परिवर्तन होता है वही अधिगम है। यह कथन आपका गेट्स एवं अदर्श का यानी गेट्स एवं अन्य का है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, परंपरागत शिक्षा केंद्र शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है बल्कि उसे रटना पड़ता है, लिखना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है, पुरस्कार प्राप्त करने पड़ते हैं। तो जो आपकी परंपरागत शिक्षा केंद्र जो प्रणाली है, शिक्षा केंद्र शिक्षा प्रणाली जो है उसमें बच्चा सीखता नहीं बल्कि उसे रटना पड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं कार्य करते हैं, बालक घूमने जाते हैं, परीक्षा देने से, या एक दो तीन, तीनों ही इसमें सही हैं। तो जो बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव जो प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं कार्य करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, परीक्षा देते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा कि जब बालक स्वयं अपना कार्य करके कुछ सीखता है तो उसमें उसका अनुभव ज्यादा अच्छा होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है बुद्धि का प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने विद्यालय का प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने माता पिता की आर्थिक स्थिति, चौथा ऑप्शन है आपके सामने पड़ोस का प्रभाव। यानी एक चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाले जो आपका प्रमुख तत्व है इनमें से कौन सा है? तो आपका बुद्धि का प्रभाव, विद्यालय का प्रभाव, माता पिता की आर्थिक स्थिति या पड़ोस का प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले जो चरित्र एवं नैतिक विकास के जो मूल्यों के विकास में प्रभावित करने वाला तत्व है वह आपका विद्यालय का प्रभाव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा में अच्छी भाषा का उपयोग करना, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने उपरोक्त सभी। तो आपका जो अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाएगा तो उसमें आपके तीनों पॉइंट्स सही हैं यानी ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। सैद्धांतिक रूप से रचनावाद शिक्षार्थियों को दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचनाओं को पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। थर्ड ऑप्शन है आपके सामने शिक्षक की महान भूमिका की जानकारी देता है। फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने विभिन्न व्यवहारों पर उसके द्वारा किए गए अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है। तो जो आपका रचनावाद है वह बच्चे को अपनी दुनिया के बारे में या दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के लिए बल देता है। ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सॉरी पहला इसका ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह वीडियो सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप इन क्वेश्चंस को पीडीएफ रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने की लिंक प्रोवाइड की गई है। आप वहां इस पर क्लिक करके पहले ग्रुप ज्वाइन करें और उसके बाद आपको डेली पीडीएफ वहां से मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।